हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और ये सेट 133 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 132 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बुक है द प्लेटफॉर्म, इसी बुक का ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसी का प्रश्न रहने वाला है, यानी इसी चैप्टर का ये पार्ट 13 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 12 तक दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ बना रखा है, जो कि खजाना वाले वीडियो के नाम से है। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो कम से कम आपके 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 300 तक प्रश्न कर रखे हैं। इस वीडियो में हम उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाली है मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 13 रहने वाला है। इसके पहले मैंने इस पर 12 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। निम्न में से कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेड, यानी कि सीसा। और फ्रेंड्स, जो लेड होता है इसका सिंबल होता है पीबी होता है। ओके फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया गया है जिंक। अब आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स, जो जिंक होता है इसको हम ZN से लिखते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो ZN होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30 होता है। और फ्रेंड्स, इसका अगला पॉइंट क्या है? तो यह एक संक्रमण धातु है, यानी कि जो जिंक है वो संक्रमण धातु है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302। इस्पात की यांत्रिकता बढ़ाने के लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनिलिंग। अब आई फ्रेंड्स, जो हीट ट्रीटमेंट है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो जो हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो उसकी विधि कौन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें 5 विधि होता है हीट ट्रीटमेंट का। एक होता है एनीलिंग होता है, एक होता है हार्डनिंग होता है, एक टेम्परिंग होता है, एक नॉर्मलाइजिंग होता है, एक केस हार्डनिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है इन सभी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। उच्च गति इस्पात उपकरण में कार्बन का जो प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.75 से 1% तक होता है। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 पूछा जाता है।
एक पूछा जाता है लो कार्बन स्टील और एक पूछा जाता है मीडियम कार्बन स्टील और एक हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन का जो मात्रा जो होता है वो 0.15 से 0.3% तक होता है। जो मीडियम कार्बन जो स्टील होता है यानी इस्पात जो होता है इसमें कार्बन का जो मात्रा जो होता है वो 0.3 से 0.75% तक होता है। उसका फ्रेंड्स जो हाई कार्बन जो स्टील होता है इसमें 0.75 से 1.5% तक होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो 0.15 से 0.3% तक होता है। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है इसमें 0.3 से 0.75% तक होता है। हाई कार्बन स्टील में 0.75 से 1.5% तक होता है। और ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और AL&P के एग्ज़ाम में तो आपको आएगा ही आएगा। इसीलिए कार्बन का जो मात्रा है इन तीनों का आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्र धातु तत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टंगस्टन होता है। अब आइए फ्रेंड्स इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील जो होता है इसमें जो टंगस्टन जो होता है वो 18% होता है। इसमें जो क्रोमियम जो होता है वो 4% इसमें होता है। वेनेडियम जो होता है इसमें 1% होता है। उसके बाद फ्रेंड्स कार्बन जो होता है इसमें वो 0.7% होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज पूछता है। पूछा जाता है कि हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम का जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है, जो क्रोमियम तो वो 4% होता है। जो टंगस्टन होता है इसका प्रतिशत पूछा जाए तो कितना होता है, तो 18% होता है। वेनेडियम तो वो 1% था और इसमें कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो 0.7% होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 305। इस्पात के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 723°C। ओके फ्रेंड्स, ये जो है वो निम्न क्रांतिक बिंदु है और इसका जो उच्च क्रांतिक जो बिंदु होता है वो होता है 800°C होता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि निम्न क्रांतिक बिंदु पूछा जाए तो 723°C और उच्च क्रांतिक बिंदु पूछा जाए तो 800°C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 306। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेनेडियम होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो ये 1% होता है। इसमें टंगस्टन जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो 18% होता है। जो क्रोमियम जो होता है वो 4% होता है। सिंबल भी पूछा जा सकता है, जैसे कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, तो W होता है। जो क्रोमियम होता है इसका Cr होता है। जो वेनेडियम होता है इसका V होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 307। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के परिणाम स्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कठोरता में वृद्धि होती है, यानी कि स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो उसकी जो हार्डनेस है यानी उसकी जो कठोरता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु स्टील है जिसमें निम्नलिखित तत्व का न्यूनतम 12% मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309, HSS में मुख्य मिश्र धात्विक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310, धातुओं के शीत कार्यों में संतरे का छिलके बनाने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, तन्यता धातु का वह गुण है जो निम्न निर्माण में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तार, यानी कि इसी गुण के कारण तार बनाए जाते हैं। कौन से गुण के कारण? तो तन्यता गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगाने पर वह टूट जाती है, वो कौन सा गुण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भंगुरता, यानी कि ब्रिटलनेस गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313, किसी पदार्थ में घिसने या खरोचने के विरोध करने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्डनेस, यानी कि इसी गुण के कारण घिसने और खरोचने का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314, धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने वाला जो गुण होता है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैलेबिलिटी, और इसी गुण के कारण धातु के चादर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315, बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला गुण धातु का कौन सा गुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु पर बार बार बैंडिंग या ट्विस्टिंग करने पर वो टूट नहीं पाती है, यानी कि अगर उसको बैंड भी करे ट्विस्ट करे फिर भी वो नहीं टूटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टफनेस गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातुओं कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करने के लिए अत्यावश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्यूजिबिलिटी, इसी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318, धातु का वह गुण जिससे उसकी तारें बनाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता।
तन्यता, तन्यता गुण के कारण तारे बनाई जाती है। और फ्रेंड्स मैलेबिलिटी इस गुण के कारण चादर बनाई जाती है धातुओं की पीट पीट कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। इसे गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन जो होता है इसको गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है। और फ्रेंड्स पीतल, स्टील और सोना को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। यह आयरन रिवेट्स और चादरें बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है और ये सबसे शुद्ध किस्म का लोहा होता है। कौन? तो रॉट आयरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। इसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिटुआ लोहा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323। बियरिंग बुश को बनाने के लिए किस अलौह एलॉय का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। वाटर हीटिंग उपकरण के लिए बड़े पैमाने पर किस अलौह धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तांबा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल लिया जाता है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसन प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्डनिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजानेला वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा, और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।